हमारा हक, 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 हमारा हक,
करना चाहिए। इतनी सियासत में चल रहा है वहाँ करो, बहाल करो, जस्टिस 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 बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है। एक मैं अल्ताफ़ अमर लोन दरशिनो कम्युनिटी तहसील डिस्ट्रिक्ट गांधरबल तहसील कंगन से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली हम जस्टिस के लिए आए हैं, हम दरशिना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम अभी माइग्रेशन किए गुरेज तिलेल से माइग्रेशन करके कंगन में रह रहे हैं। हमें आर्डर्स मिले हैं, हम कैटेगरी 4 के तहत एसटी कैटेगरी में आते हैं, जो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्डर्स के तहत 1989 में मिले हैं। उसके बाद हमें आर्डर्स मिले डीसी गांधरबल के, सोशल वेलफेयर डायरेक्टर के आर्डर्स मिले, हमें एसटी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो कंसर्न तहसीलदार है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। वो कुछ अपने निपोटिज्म और करप्शन, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो निपोटिज्म या करप्शन या फेवरेटिज्म, इन पे काम कर रहा है, या पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, इन पे काम कर रहा है। इसी वजह से हमारी एसटी को रिजेक्ट कर, अदरवाइज हमारे पास हर कोई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी आर्डर्स हैं। अगर एक कम्युनिटी, ट्राइब कम्युनिटी विदिन द पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ स्टेट अगर माइग्रेशन करती है, उनका एसटी या स्टेटस छीना नहीं जा सकता है, उनको स्टेटस मिलती है। हमारे बस यही है कि हमें एसटी जल्द जल्द बहाल की जाए। हमारा तहसीलदार गोंड, तहसीलदार कंगन हमें एसटी रिजेक्ट कर रहा है बोगस, ऐसे ही फेक एलिगेशंस लगा के। और बाकी हर जगह, आप श्रीनगर की बात करें, आप बड़गाम की बात करें, आप बांडीपोरा की बात करें, आप बारामूला की बात करें, कहीं पे भी हमें एसटी मिलती है, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के दो, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के दो तहसील, इसके डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के दो तहसील इसमें कंगन और गुंड में नहीं मिल रही। हम कंसर्न तहसीलदार उसको 10 दिन दे रहे हैं, उसके बाद हम हो सकता है हंगर स्ट्राइक के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने पढ़ाई की है, हमारा हक है, हम भीख नहीं मारे, वी आर नॉट बेगिंग, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। हम बेग नहीं करें, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई इनका हक दो या किसी कम्युनिटी का हक दो, हम अपना हक मांग रहे हैं।